नमस्ते बच्चों, आज हम बेटी युग इस कविता का गायन करेंगे। इस कविता के कवि हैं आनंद विश्वास जी। कवि आनंद विश्वास जी ने प्रस्तुत कविता में बेटियों की शिक्षा, उनकी शिक्षा का महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति को प्रतिपादित किया है। कक्षा सातवीं की यह कविता बेटी युग, इस कविता में कवि ने लड़कों के प्रगति के साथ साथ, लड़कों के शिक्षा के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा भी कितनी महत्वपूर्ण है अपने देश के विकास के लिए, इसका अनन्य साधारण महत्व प्रतिपादित किया है। तो चलो बच्चों, हम पाठ दूसरे में अब कविता का गायन करेंगे। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सब सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की, बेटी युग के नए दौर की, आओ लिख ले नई कहानी, आओ लिख ले नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी।